इंडियन सिनेमा के 100 साल पूरे होने के जश्न में 58th आइडिया फिल्मफेयर अवार्ड्स पर इस शाम की धमाकेदार शुरुआत करने जा रहे हैं शाहरुख खान और साथ साथ ही हमारी फिल्मों का यानी जिसे हम पॉपुलरली बॉलीवुड कहते हैं उसके 100 साल पूरे होने को आए हैं या पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल पूरे होने को आए हैं और कई सारे महान कलाकार अपनी एक अनोखी छाप और अंदाज छोड़ गए हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, ऐसे फिल्मकार हैं, ऐसे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनको हम कभी नहीं भुला सकते, जिनका इन 100 साल के अंदर. Please put your hands together for the greatest of them all, the greatest showman, ladies and gentlemen, Mr. Raj Kapoor. जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी. कैसे शख्स था जिसने हिंदी फिल्म हीरो की सारी परंपराओं को तोड़कर अपना नया स्टाइल एस्टैब्लिश किया. द कूलेस्ट स्टार एवर इन इंडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, शमी कपूर. बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो जरा पास आओ तो चैन आ जाए जरा पास आओ तो चैन आ जाए. कई ऐसे सारे लेजेंड्स हैं जिन्हें हम बहुत याद करते हैं, उनके चले जाने के बाद ही वो हमारे साथी होते हैं. The incredible, the most wonderful and fantastic, राजेश खन्ना साहब. ला 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 ला. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया. संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया. एक लेजेंड ऐसे हैं जिनका करियर 66 इयर्स का था और जिस साल ये गुजर गए उस साल भी उनकी फिल्म लगी. द एवरग्रीन, द वन एंड ओनली देवानंद. For 100 years of Bollywood, all the actors, all the actresses, and all the wonderful people who have made Bollywood what it is, a big round of applause. आगे बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ.